दोस्तों हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए व्लॉग पे। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप लोगों का कमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं दोस्तों करीब करीब सभी का मैं रिप्लाई दे ही देता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आज हमें कहीं नहीं जाना है, आज है झारखंड का राजकीय त्यौहार सरहुल। तो दोस्तों आज सरहुल है और सरहुल की वजह से दोस्तों स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं और बैंक वगैरह सारा कुछ बंद है। कहने का मतलब दोस्तों सरकारी दफ्तर वगैरह सारा कुछ बंद है। तो आज हमें तो घर पे ही रहना दोस्तों, तो बगल में शादी है उसी का दोस्तों थर्माकोल में कुछ पेंटिंग बनाएंगे और शादी में जाके वहाँ वॉल राइटिंग भी करेंगे। आज दोस्तों आपको यही देखने को मिलेगा। तो चलिए, वैसे शशि आया हुआ है दोस्तों और शशि के साथ ही हम दोनों करेंगे। और ये देखो दोस्तों थर्माकोल यहाँ पे हमने रखा है और भी थर्माकोल है मेरे पास दोस्तों, तो बस उसी पे पहले हार्ट शेप बनाएंगे, कहने का मतलब दिल वगैरह बनाएंगे जो कि लड़का लड़की का नाम लिखाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का मौसम भी दोस्तों काफी ज्यादा धूप भरा है और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं काम अंदर में। तो ये मेरा पेंटिंग वाला रूम है दोस्तों, जहाँ मैं हमेशा कुछ पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ। बट फिलहाल दोस्तों मैं कुछ पेंटिंग वगैरह का काम नहीं कर रहा था, तो कुछ परेशानियाँ थी वो अब दूर हो रही है धीरे धीरे। तो दोस्तों वो दूर हो ही जाएगी, बट हम लोग कर रहे हैं अभी काम। तो ये देखो दोस्तों शशि जो है पेंट कर रहा है, तो मैं आप लोग को अच्छे से दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब चलिए वहाँ जाते हैं जहाँ पे शादी है और वहाँ पे दोस्तों वॉल राइटिंग करेंगे और उसको कंप्लीट करके आएंगे फिर से दोस्तों इसी थर्माकोल पे फिर काम करेंगे। और एक थर्माकोल का डिज़ाइन बनाना है, तो बाद में देखेंगे कौन सा डिज़ाइन बनाते हैं। वैसे दोस्तों बीएड वगैरह सेट करवाना था, बट देखते हैं टाइम मिलेगा तो करवाएंगे। फिलहाल सीधे जाते हैं शादी वाले घर पर, तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूं घर और अब चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूं आपको हम लोग के यहाँ सरहुल कैसा मनाया जाता है, हमारे झारखंड में आदिवासी लोग कैसे सरहुल को मनाता, कैसा यहाँ का सांस्कृतिक डांस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों सीधे वहीं चलेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका है और शाम के 4:30 बज रहे हैं, तो अभी
बहुत ज़्यादा भीड़ होगा वहाँ पर, तो चलिए सीधे चलते हैं।